नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, डीएम और एसएसपी कर रहे थे मॉनिटरिंग। अग्निपथ योजना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों से की अपील, कहा लोकतांत्रिक तरीके से रखे समस्या होगा समाधान। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए वाम दलों ने निकाला मार्च, नेताओं ने कहा युवाओं का भविष्य सरकार कर रही है बर्बाद। पावरलिफ्टिंग में बिहार के 8 युवाओं का हुआ चयन, कानपुर में 19 जून से आयोजित प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। और हत्याम से शराब मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अग्निपथ योजना को लेकर बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद नजर आई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों का वरीय अधिकारियों ने बारीकी से जायजा लिया और सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। इधर प्रदर्शन और हिंसा की आशंका को देखते हुए जिले में मंगाए गए 500 अतिरिक्त बल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हर चौक चौराहों पर तैनात दिखे। वह इसको लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वह खुद ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि एसएसपी ने कहा कि सरकारी संपत्ति या जान माल के नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी थानों को सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा कि किसी भी स्थिति में हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार बंद को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड में दिखा। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती दिखी, जबकि कई ट्रेन रद्द होने के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आई। यात्रियों से गुलजार रहने वाला भागलपुर स्टेशन परिसर खाली दिखा। हालांकि सुरक्षा को लेकर पुलिस गश्त करती रही। वह स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, गुरहट्टा चौक, ततारपुर रोड और तिलका मांझी से 0 माइल तक पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। इस दौरान एसएसपी बाबूराम भी पेट्रोलिंग करते दिखे। उनके साथ सिटी एसपी श्वेन प्रभात सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी भी थे। एसएसपी जगह जगह जाकर हालात का मुआयना किया। जिला पुलिस कप्तान बाबूराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, साथ ही भड़काऊ पोस्ट के प्रचार करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक कहीं भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है और आज दिन भर अलर्ट रहेगा, ये डिप्टेशन आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जैसे कल भी पीसफुल रहा उसी तरह से आज भी जो है शांति व्यवस्था बहाल रहेगी और कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। हम लोगों को बाहर से काफ़ी संख्या में बल मिला है और जिला का आंतरिक एकत्रीकरण से भी पूरा बल आज इकट्ठे करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए उपयोग किया जा रहा है। शहर के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से लेकर सभी सरकारी प्रतिष्ठान, सभी जगह बल की और दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या समूह या ग्रुप जो है अगर सरकारी संपत्ति या लोगों के जान माल के नुकसान को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया कि अब तक 130 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 620 लोगों की गिरफ्तारी पूरे बिहार से की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने आम लोगों के साथ छात्रों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी तरह की समस्या है तो उसे प्रशासन और संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, जिससे केंद्र सरकार तक उनकी बातों को रखकर उस पर विचार किया जा सके। एडीजी ने कहा कि इस तरह से उपद्रव करने से उनके भविष्य बर्बाद हो सकता है, क्योंकि किसी को भी हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ की छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बिहार में जहानाबाद और मसौड़ी के पास तारेगना स्टेशन पर अधिक विरोध देखने को मिला, जबकि अन्य जिलों में छिटपुट घटनाएं घटित हुई है। एडीजी संजय सिंह ने कहा कि शनिवार को बंद के दौरान छात्रों का प्रदर्शन ना के बराबर रहा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और कार्यकर्ता जरूर सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई
दिखाई दिए। एडीजी संजय सिंह ने बताया कि अर्धसैनिक बल की 10 कंपनियों के अलावा अर्धसैनिक बल की 5 और कंपनियों को केंद्र सरकार से मांगा गया है, जबकि आईबी के अलर्ट के साथ बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच की टीम भी अलर्ट पर है। संजय सिंह ने बताया कि रविवार तक बिहार के 15 जिले में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, जबकि आगे भी अगर स्थिति इस तरह की बनी रही तो उसको विस्तार भी किया जा सकता है। 10 पैरामिलिट्री फोर्सेज मिले तो उन लोगों को हमने संवेदनशील जिलों में भेजा। उसके अलावा मुख्यालय स्तर से भी हमने 35 कंपनी बीसैप की और करीब 4000 अतिरिक्त बल विभिन्न जिलों में भेजा था, जिसको लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया। और आज बेसिकली दो ही घटनाएं घटी हैं, एक जहानाबाद में घटी और एक मसौड़ी के पास घटी है। उसके अलावा बाय एंड लार्ज सभी जगह छिटपुट घटनाएं वगैरह छोड़ दें तो पूरा बंद जो है शांतिपूर्ण रहा है। और अब तक 3 दिनों में करीब 620 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 130 FIR हमारे यहाँ जिलों में और रेल जिलों में अब तक दर्ज की जा चुकी है। आज अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और विशेषकर जैसा मैंने बताया, दो जो घटनाएं घटी हैं उनमें जहानाबाद में 50 लोगों को और मसौड़ी में भी अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आगे हो सकता है संख्या और भी बढ़े। कुछ सुदूर इलाके ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर, जैसे मसौड़ी में घटना घटी, वहाँ पर ऑलरेडी 25 से 30 हमारे पुलिसकर्मी तैनात थे। उसके बाद लेकिन मौत की जो संख्या थी वो 3 से 4 हज़ार के बीच में आ गई अचानक। पुलिस वालों ने उनका विरोध भी किया, उनको खदेड़ने का भी प्रयास किया, वहाँ से हटने की भी अपील की, लेकिन वो पथराव करने लगे। आईसा और इनोस के द्वारा घोषित बिहार बंद को सफल बनाने के लिए नवगछिया में आईसा, इनोस और भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नवगछिया बाजार में मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह और इनोस के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने संयुक्त रूप से किया। विरोध मार्च नवगछिया स्टेशन परिसर से निकलकर सब्जी पट्टी, शहीद मुंशी शाह चौक, मुख्य बाजार और मक्खा तख्या चौक होकर पुणे स्टेशन चौक पहुंचा, जहां एक सभा को संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने बिहार सहित पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया है, जिससे छात्र युवा आक्रोशित हो गए हैं। साथ ही इस आक्रोश को देखते हुए सरकार से इस योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। वहीं इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती है तो आगे भारत बंद किया जाएगा। साथ ही कहा कि इस योजना को रद्द कर अविलंब सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। मौके पर काफी संख्या में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल में देश की सुरक्षा के साथ मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 महीना की ट्रेनिंग से देश की रक्षा नहीं हो सकती है, और 4 साल में अगर किसी को घर भेज देते हैं तो 4 साल के लिए कोई फौज में नौकरी में नहीं जाएगा। ये हमारे सामने देश की सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है, और इसीलिए हम इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तब तक छात्रों के इस आंदोलन के साथ खड़ा रहेंगे जब तक छात्र लड़ता रहेगा। भाकपा माले यह महसूस करती है कि मोदी देश की सुरक्षा में सेंध लगाना चाहती है। जो यहाँ के नागरिकों को बार बार पाकिस्तान भेजने की बात करता है, वो तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए तमाम विदेशी साजिशों को देश में घुसा देना चाहता है। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये बनिया है, और बनिया घर का चावल भी बेच देता है यदि पैसा आए तो। इंडियन पावर लिफ्टिंग ऑफ फेडरेशन की ओर से उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित पावर लिफ्टिंग में बिहार से कुल 8 लड़कों का चयन हुआ है, जिसका आयोजन 19 जून 2022 से 22 जून 2022 तक किया जाएगा। सीनियर पावर लिफ्टिंग में आकाश शर्मा, आकाश कुमार सिन्हा एवं अरब कुमार का चयन हुआ है, जबकि सब जूनियर पावर लिफ्टिंग में अरविंद कुमार, रुद्र राणा, मोहम्मद मौसम राजा एवं सचिन कुमार का चयन हुआ है। इसकी जानकारी भागलपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव अमित कुमार भारती ने दिया। अमित कुमार भारती ने हर्ष जताते हुए बताया कि पूरे बिहार से कुल 8 लड़कों का चयन हुआ है, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी भागलपुर के हैं, जो इंडियन पावर लिफ्टिंग ऑफ फेडरेशन द्वारा कानपुर में आयोजित होने वाले पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव सभी चयनित खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अग्रिम बधाई दी। विजय कुमार यादव ने बताया कि ऐसे युवाओं को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे भागलपुर के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन कर सके। जी, मैं विजय कुमार यादव और हम भागलपुर से। हमारे यहाँ पे जो वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार
भागलपुर से, यहाँ से करीब 7 की संख्या में जो है लड़के चयनित हुए हैं जो कि नेशनल खेलने के लिए कानपुर जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामना सभी लोगों को, ये लोग खेल के आवे भागलपुर के लिए, अपना अच्छा प्रदर्शन करें और नेशनल में अपने भागलपुर का, अपने बिहार का नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं सब लोगों को, अच्छे से लोग खेले, बहुत मेरी बस ये शुभकामनाएं। सुल्तानगंज पुलिस ने विभिन्न जगहों में छापेमारी करते हुए हत्याकांड के आरोपी आर्म्स एक शराब कारोबार में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि सुल्तानगंज थाने के विभिन्न क्षेत्रों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हत्याकांड के आरोपी राहुल कुमार एवं शराब का कारोबार करने वाले माला देवी विजय सार रुचि कुमारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आर्म्स एक्ट में देशी कट्टा एवं गोली के साथ विनोद कुमार शर्मा, मुगल कुमार, गोपी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी शंभु शरण राय के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानगंज अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के आए सैकड़ों लोगों के जमीन विवाद मामले की अंचलाधिकारी शंभु शरण राय ने सुनवाई की। वहीं इसको लेकर सीओ ने बताया कि जनता दरबार में 7 केस पहुंचे थे, जिसमें 3 केस का निष्पादन कर दिया गया, जबकि 4 केस का निष्पादन अगली तिथि पर कर दी जाएगी। जनता दरबार में सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर के अलावा अंचल के कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। 7 नया आवेदन आज आया, 3 का निष्पादन किया गया, 4 को अगले तिथि के लिए नोटिस दिया। पिरपैती में अग्निपथ को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन के दूसरे दिन शनिवार को विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए SDM मधुकांत, DSP शिवानंद सिंह, इंस्पेक्टर रवि रंजन सिंह और पिरपैती थानाध्यक्ष राजकुमार ने दल बल के साथ विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने दिन भर अग्निपथ आंदोलनकारियों की तलाश की। पुलिस प्रशासन हर तरह से मुस्तैद दिखी और ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से पिरपैती स्टेशन परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं इसको लेकर स्टेशन मास्टर अजय कुमार यादव ने बताया कि अग्निपथ छात्रों के आंदोलन को लेकर कई ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि मुखिया संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार उर्फ झुंपा सिंह ने सभी आंदोलनकारियों छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं भागलपुर सुल्तानगंज में अग्निपथ छात्रों के आंदोलन को देखते हुए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने थानाध्यक्ष लाल बहादुर, RPF इंस्पेक्टर रवि कुमार, ASI महानंद झा और वज्र दल के प्रभारी सूरज कुमार ने दल बल के साथ स्टेशन परिसर और शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया, लेकिन कहीं भी आंदोलनकारी दिखाई नहीं दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। इधर नाथनगर में भी अग्निपथ को लेकर किए गए बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। वह इसको देखते हुए जिले के चौक चौराहों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती कर पुलिस गश्ती की गई, जबकि बिहार बंद को लेकर सिटी SP श्वेन प्रभात नाथनगर सहित शहरी क्षेत्रों के कई जगहों पर गश्त करते दिखे। शहर के सभी चौक चौराहे और जितने भी संवेदनशील स्थान है उन सभी जगहों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कुछ बल उपलब्ध कराए गए हैं। CTS नाथनगर से और BMP के भी फोर्स आए, सभी लोगों को लगाया गया है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी बल है सभी हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और लाठी के का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। रेलवे स्टेशन पर प्रतिनियुक्ति की गई है, रेलवे हॉट भी किया गया है, जितने भी पार्टी ऑफिसेज है वहाँ किया गया, जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है जिला का उन सभी जगहों पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई। हम लोग लगातार नज़र बनाए रखे हैं,
और संभावना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगा। प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रगति बाल विद्यालय एवं प्रगति शिशु विद्यालय का भागलपुर जिला के गोटखरी पंचायत वार्ड नंबर 5 में प्रगति बाल विद्यालय एवं प्रगति शिशु विद्यालय का शुभारंभ मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार द्वारा फीता काट कर किया गया। वह इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षा पंचायत की पहली प्राथमिकता है, जिसको देखते हुए इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में पाठ्य सामग्री और ड्रेस दिया जाएगा। इस दौरान मौजूद प्रगति बाल विकास योजना के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार पासवान ने बताया कि प्रगति बाल विद्यालय एवं प्रगति शिशु विद्यालय को चलाने के लिए बाल सेविका पद पर विभा देवी एवं प्रेरक पद पर अर्चना कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया गया है। प्रगति बाल विद्यालय में 3 से 6 साल तक के बच्चे पढ़ सकेंगे, जबकि प्रगति शिशु विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ पाठ्य सामग्री, अच्छे पोषाहार और छात्रवृत्ति की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही कहा कि जिले के हर एक वार्ड में प्रगति बाल विद्यालय एवं प्रगति शिशु विद्यालय को खोला जाएगा, जिससे जिले के सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर भागलपुर प्रखंड समन्वयक रंजीत कुमार राम, खरीक प्रखंड समन्वयक कृष्ण देव भारती, गोट खरीक पंचायत के पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, रजनी देवी एवं ग्रामीण बबुल यादव, प्रमोद मंडल, प्रेम कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, डीएम और एसएसपी कर रहे थे मॉनिटरिंग। अग्निपथ योजना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों से की अपील, कहा लोकतांत्रिक तरीके से रखे समस्या होगा समाधान। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए बाम दलों ने निकाला मार्च, नेताओं ने कहा युवाओं का भविष्य सरकार कर रही है बर्बाद। पावरलिफ्टिंग में बिहार के 8 युवाओं का हुआ चयन, कानपुर में 19 जून से आयोजित प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। और हत्याम से एक शराब मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।